आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जदयू में विलय हो गया है। इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी का अध्याय स्वतः समाप्त हो गया। ये वैसे लोग हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते। ये सत्ता लोलुप लोग हैं और विकास का ढोंग करते हैं ये लोग। इन लोगों को जनता खुद हिसाब कर देती है। बीते चुनाव में 6 दलों के गठबंधन से ये चुनाव लड़े थे। जनता ने इनको इनकी हैसियत बताई और 1.5% वोट भी नसीब नहीं हुआ। और आज नीतीश कुमार जी तो बहुत ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। तो हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से कि अगर इतने ही मजबूत हो गए हैं तो आइए चुनाव के मैदान में जनता हिसाब कर देगी। नीतीश जी, रिचकारी बटोरने से जंग नहीं जीती जाएगी। और ये जो फूके हुए कारतूस के दंभ पर आपको जंग जीतने का जो ख्वाब है, ये चकनाचूर हो जाएगा। बिहार में सत्ता को लात मारने वाला एक शेर है, जिनका नाम है आदरणीय चिराग पासवान जी, जिन्होंने सत्ता को लात मारा और आपको रिचकारी बटोरने पर मजबूर कर दिया। हम फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि नीतीश जी, अगर बहुत ताकतवर आप हो गए हैं तो आइए चुनाव के मैदान में जनता दूध का दूध और पानी का पानी करो। देखिए, पिछले विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने जो अपना प्रदर्शन दिखाया, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने चुनाव के मैदान में अकेले जाकर जो प्रदर्शन दिखाया और जो रिजल्ट जदयू को आया, नीतीश कुमार जी को आया, आज वो कितना विचलित है कि लगातार दूसरे दल को तोड़कर अपने दल में शामिल कर रहे हैं, रिचकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि लोक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को अपने दल में ज्वाइन करा रहे हैं, अपने दल में विलय कर रहे हैं। मतलब लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदर्शन से इतना विचलित है कि उनको लगता है कि अब हम समाप्त हो जाएंगे और बड़ी पार्टी होने के लिए रोज रिचकारी इकट्ठा कर रहे हैं। रिचकारी से कोई जंग नहीं जीता सकता है, जीता जा सकता है। और फूके कारतूस से नीतीश कुमार जी जंग के मैदान में जाना चाहते हैं। सत्ता को लात मारने की हिम्मत अगर किसी में है तो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी में है, जो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और नीतीश कुमार जी को रिचकारी इकट्ठा करने पर मजबूर कर दिया और सत्ता की लोभ में लगातार गलत निर्णय ले रहे हैं। आने वाले समय में जनता इसका हिसाब करेगी और अगर उनको लगता है हम पूरी तरह से ताकतवर हो गए दूसरे दल को तोड़कर, तो इलेक्शन में चलना चाहिए और पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है।